सहजनवा थाना क्षेत्र के घसरा चौकी के कनपुरवा रोड पर मंगलवार को एक 35 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव मिला है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि सहजनवा थाना क्षेत्र के कनपुरवा रोड पर एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी पहचान बालेंद्र सिंह पुत्र धीरेन्द्र निवासी खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि युवक के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसकी वजह से युवक की मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा कि शव को देखकर हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन अभी हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि मामले की सहजनवा पुलिस छानबीन कर रही है और अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एसपी नॉर्थ ने कहा कि परिवार वालों के द्वारा बताया गया है कि युवक सोमवार को दोपहर में घर से निकला था और वह भाइयों में सबसे छोटा था। उन्होंने कहा छानबीन की जा रही है, घटना का जल्द ही खुलासा करा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने कहा ये बालेंद्र प्रताप सिंह नाम के युवक है, लगभग 35 ये संत कबीर नगर कटबंध गांव का रहने वाले हैं। आज सुबह सहजनवा में कनपुरवा गांव में सड़क किनारे इनकी डेड बॉडी पाई गई, पर मुझे धारदार हथियार से प्रहार था और घर वालों द्वारा बताया गया कि ये रात में घर से निकले थे। इस विषय में थाना सहजनवा तो मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हम लोगों की संख्या क्या किसी परिजन को तहरीर वगैरह भी दिया है? हाँ, मुकदमा पंजीकृत है परिजनों की सूरत में शिनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन बाद में सूचना पर परिजन आए और उन्होंने शिनाख्त की और ये सच उन्होंने बताया कि कल रात को ही घर से निकले हुए। कुछ सर सुराग लगा है इस घटना? नहीं, अभी कोई सुराग नहीं है, हम लोग कर रहे हैं मुकदमा दर्ज कर लिया।